आज डाउटनेट आप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सॉल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। हेलो स्टूडेंट्स, क्वेश्चन बोला गया है हमसे कि इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के आधार पर आवर्त सारणी में जो हैलोजन की स्थिति होती है उनकी विवेचना करनी है। ठीक है, तो देखते हैं। आप पहले जानते होंगे, तो देखिए आप लोग वैसे तो जानते होंगे, मगर देखो हैलोजन के अंदर कौन कौन से एलिमेंट्स आते हैं हमारे हमारे इनके अंदर आते हैं फ्लोरीन। तो देखिए इसमें आते हैं हमारे फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन। अब देखो अब इनके परमाणु क्रमांक क्या क्या होते हैं, तो देखो यहां पर मैं लिख देती हूँ परमाणु क्रमांक। ठीक है, तो देखो इनके परमाणु क्रमांक होते हैं, फ्लोरीन का होता है हमारा 9, क्लोरीन का हमारा होता है 17, ब्रोमीन का हमारा होता है 35 और आयोडीन का हमारा होता है 53। ठीक है, ये हुए हमारे इनके परमाणु क्रमांक। अब देखो अब इनके वर्ग और आवर्त क्या कितने क्या क्या होते हैं, तो देखो मैं इधर लिख देती हूँ वर्ग और ये हुआ हमारा इधर आवर्त। तो देखो ये सब 17 उसके ही हेलोजन जो होता है हमारा 17 वर्ग में आता है। ठीक है, और ये सब उसी के एलिमेंट्स है, तो देखो इन सबका वर्ग कितना होगा, सबका वर्ग इनका 17 ही होगा। ठीक है, और मगर इनका आवर्त देखो क्या होगा, जो फ्लोरीन है इसका आवर्त है हमारा 2, क्लोरीन का हमारा आवर्त होता है 3, इसका होता है 4 एंड इसका होता है 5। ठीक है, अब हमसे पूछा है कि इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के आधार पर हमें बताना है। देखो अब अगर हम इनका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखते हैं तो देखो किस हिसाब से होता है, फ्लोरीन का हमारा परमाणु क्रमांक है 9, तो उस हिसाब से अगर हम लिखते हैं तो देखो इसको लिखते हैं हम 1s2, 2s2 और 2p5, क्योंकि 9 है ना, तो देखो गिनो 5, 2, 7 और 2, 9। ठीक है, तो ये हुआ इसका, हमारे क्लोरीन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है 1s2, 2s2, 2p6, ठीक है, 6, 7, 8, 9, 10 और उसके बाद होता है 3s2 और 3p5। ठीक है, हो गया 17, ये हो गया। हम इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं, जो नियॉन होता है Ne इसका होता है 10, तो इसके बाद 3s2 और 3p5। ठीक है, अब हमारा ब्रोमीन का होता है, तो देखो ब्रोमीन को हम कैसे लिखते हैं, इसको लिखते हैं हम ब्रोमीन को लिखते हैं हम 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2, 3d10 एंड 4p5। ठीक है, और हम ब्रोमीन को एक तरह से और लिख सकते हैं, देखो हमारा ऑर्गन का, ठीक है, ऑर्गन के बाद हमारा क्या हुआ 3d10 एंड 4s2 और 4p6। ठीक है, अब देखो अब आयोडीन का लिखना है, तो देखो आयोडीन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होता है, एक सेकंड मैं आपको बता देती हूँ। देखो आयोडीन का हमारा इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2, 3d10, ठीक है, फिर आता है हमारा 4p6, फिर 5s2, फिर 4d10 एंड देन ये 10 है एंड देन फिर 5s आ गया यहाँ पे। देखो तो आयोडीन का क्या हो गया, इसको हम इस तरह से भी लिख सकते हैं कि Kr यानी कि क्रिप्टॉन और 4d10, 5s2, 5p6। ठीक है, अब देखो अब ये जो होता है ये सब हमारे p ब्लॉक में इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के आधार पर p ब्लॉक में कैसे आते हैं, देखो ये सब ये सब हमारे p ब्लॉक में क्यों काउंट होते हैं, क्योंकि देखो इनका जो लास्ट इलेक्ट्रॉन है वो किस में जाता है, वो सब p ब्लॉक में जाता है। देखो p में जा रहा है, इन सब में p में जा रहा है, ठीक है, तो इसलिए ये हमारे आते हैं p ब्लॉक में। ठीक है, तो हमें यही बोला था कि इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के आधार पर आवर्त सारणी में हैलोजन की स्थिति की विवेचना करनी है। तो देखो ये बता दिया मैंने, परमाणु क्रमांक क्या होते हैं, वर्ग क्या क्या होते हैं, आवर्त क्या होते हैं और इनके इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होते हैं, ये p ब्लॉक में क्यों गिने जाते हैं, क्योंकि इनका जो लास्ट इलेक्ट्रॉन होता है वो p ब्लॉक में आता है।
ठीक है, तो आई होप आपको समझ में आया होगा। थैंक यू। कक्षा 6 से 12 से लेकर नीट IIT JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400400400 पर।